आज का जो सेशन है उस सेशन का नाम है मेरा बच्चा कितना जिद्दी है। आप क्या कहना चाहते हैं बताओ, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक? मैम, मेरा बच्चा तो बहुत जिद्दी है। सच में राजवंश टाक है, फर्स्ट क्लास में है वो। वो अपनी बातें मनवाना जानता है मैम। उसको हमारे जो लूप होल्स है या फिर जो हमारी कमियां है वो उसको अच्छे से पता है कि मैं ठीक है, आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि बच्चा आपसे कैसे बातें मनवा रहा है? सम एग्जाम्पल दैट यू कैन गिव। एक तो कॉमन है मैम कि खाना तभी खाएंगे कि अगर मोबाइल चलेगा तो, ये दिस इज द हाँ, कॉमन। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। कॉमन प्रॉब्लम है कि टीवी, और टीवी देखेंगे तो ही खाना खाएंगे, मोबाइल गेम्स खेलेंगे तो ही खाना खाएंगे। आज हम स्टबर्नेस के साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर आप इस सेशन को दोबारा देखना चाहते हो तो बाय टुमारो दिस सेशन विल बी अपलोडेड, बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, तो आपको लिंक भी पहुंच जाएगा आपके पास, तो आप उसको देख भी सकते हैं। अभी आज जो हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, कुछ चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। वी मोस्ट ऑफ द टाइम से दैट माई चाइल्ड इज स्टबर्न, राइट? तो हमने क्या किया, हमने बच्चे को लेबल कर दिया कि मेरा बच्चा स्टबर्न है, मेरा बच्चा ही स्टबर्न है। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बच्चे को लेबल नहीं किया, यहाँ पे मैंने लिखा टिप्स टू डील विद स्टबर्नेस एंड टेम्पर टैंटम। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि ये स्टबर्नेस है क्या चीज, व्हाट इज रियली स्टबर्नेस, और स्टबर्नेस को अगर हम सही से नहीं डील करते और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें ये स्टबर्नेस का रूप देखने को मिलता है, तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। तो कुछ कॉमन सिचुएशंस है, जैसे शॉपिंग मॉल में गए, मुझे तो ये सामान चाहिए ही चाहिए, इसके बिना जमीन पे लेट जाएंगे, है ना, चिल्लाएंगे चीखेंगे, बस मुझे ये चाहिए तो चाहिए, जिसको कि हम टेम्पर टैंट्रम भी कह सकते हैं, जिद्दी भी कह सकते हैं। फूड के लिए मुझे यही खाना है, ये नहीं खाना है, वो लेके दो, ये सब्जी नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो क्लोथ्स के बारे में, मुझे यही कपड़ा पहनना है तो यही कपड़ा पहनना है, मुझे गेम्स खेलना है, बस मेरे से मोबाइल मत छीनो, है ना। तो इनमें, इनसे अलावा भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे इश्यूज होते हैं। तो क्या आप अपने बच्चे की स्पेशलिटी बताएंगे कि बच्चा कौन सी चीज को पकड़ के रह जाता है, मुझे बस यही करना है या ये नहीं करना है, कौन सी चीज में सबसे ज्यादा उसको ज्यादा लगाव है, जिसको कि स्टिक करके वो बैठ जाता है? मैम, मेरी डॉटर है मिश्का करके, तो वैसे तो बहुत मतलब वो गुड गुड गर्ल है, पर कभी एक कभी वो चीज बहुत है, जिद एक कर चीज दे। है, एक चीज है, यहाँ पे हम किसी हाँ भी बच्चे के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे जो कि बैड है, सारे बच्चे गुड है, और यहाँ पे जितने हाँ भी पेरेंट्स है सारे पेरेंट्स गुड है, ठीक है? यस तो हम एक बिहेवियर को डील कर रहे हैं, बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं, बच्चा तो अच्छा है ही, है ना? यस, हाँ बताइए, तो वो किस चीज को लेके, कपड़े 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 को लेकर के, बच्चे को लेकर के, ओके, वेरी गुड, कपड़े को करके लेकर, एनीथिंग एल्स, एनीबडी एल्स, किस चीज को लेके डील जिद करती है? अच्छा, एक चीज बताओ शुभांगी जी, तो आप उस समय करती क्या है? मतलब जब भी ऐसे बाहर जाने का कोई फंक्शन है, ट्रेडिशनल कुछ है, तो मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो फिर जाने देते, क्योंकि कोई कोई सिचुएशंस में उसको हैंडल नहीं कर सकते। आरवी का क्या है कि खाने में सब्जी का मेन इश्यू है, तो उसको अभी तक स्टिक है कि नहीं ये नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, और सब साथ में रहते हैं तो मेरा नहीं माने तो वो दादी से मनवा लेती है, पापा से, ऐसा करके फिर नहीं खाती, ऐसा होता। एक और फैक्टर नजर आ रहा है कि अगर मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ या फिर मैं फर्म होती हूँ किसी चीज में कि उसको ये चीज खाना है, लेकिन वो डिफरेंट सोर्स निकाल लेते हैं अपने दिल की बात को मनवाने के लिए। दर्शनी जी, ये कितनी खूबसूरत चीज होगी ना, अगर बच्चे को लगता है कि मुझे तो सीईओ बनना है कंपनी का, एक कंपनी खोलनी है। हाँ, तो किसी एक ने बोला, एक ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया, वो बच्चा क्या करेगा, कोई और रास्ता ढूंढेगा कि खोलनी तो है मुझे कंपनी, कर लो तुम जो मर्जी, खोल के तो मैं रहूंगी। तो यानी कि स्टबर्ननेस जो है, अगर पॉजिटिवली यूज हो तो वो डिटर्मिनेशन बनेगा, है ना, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। तो क्या स्टबर्ननेस पूरी तरह से बुरा है, लेकिन स्टबर्ननेस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं वो उसको बुरा बना देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
जब बच्चा जिद करता है तो हम कैसे हो जाते हैं, हम क्या करते हैं? हम अपना ट्राई करते हैं उसको एक दो बार कन्विंस करवाने के लिए, कुछ ना कुछ बोलते हैं कि ऑप्शन देते हैं कि ये सब्जी खाएगी तो ये फिर नेक्स्ट टाइम हम तुझे पानी पूरी खिलाएंगे, जो भी उसका अच्छा चीज है वो खिलाएंगे। पर समटाइम्स वो मान लेती है, पर नहीं मानना हो तो नहीं मानेगी क्या ऐसा। माया जी कुछ कहना चाहते हैं? मायरा, हेलो मैम, मायरा इज मोर। हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि उसका माइंड डाइवर्ट करे, और उसके साथ हमें इन-लॉज का भी सपोर्ट रहता है। वन सेकेंड। एक चीज, एक टेक्निक इन्होंने, यही मुझे चाहिए था, एक टेक्निक उन्होंने बोला जो आप सब लोग नोट कर सकते हैं, डाइवर्ट करते हैं। और उसमें मुझे मेरे इन-लॉज का भी सपोर्ट मिलता है, सो दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर अस। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट इज कोलैबोरेटिव वर्किंग इज रिक्वायर्ड टू डील विद द चाइल्ड। जब हम सब लोग, परिवार के लोग एक होके बच्चे की परवरिश करते हैं तो वो बच्चे की परवरिश बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से होता है। नहीं तो बच्चे को पता है मम्मी भी अच्छी है, पापा भी अच्छे हैं, दादा भी अच्छे हैं, दादी भी अच्छी है, लेकिन उसको एक चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट के लिए पैसे चाहिए। मम्मी ने नहीं दिया, पापा ने नहीं दिया, दादा ने नहीं दिया, पर दादी को लगता है एक चॉकलेट ही तो चाहिए। क्यों एक चॉकलेट के लिए इतना हंगामा करते हो घर पे, इस बच्चे को एक चॉकलेट के लिए परेशान कर रहे हो, तो दादी का दिल पिघल जाता है और दादी वो चॉकलेट दे देती है, तो बच्चे को सोर्स पता चल जाता है कि मुझे कहाँ से अपनी इच्छा मनवानी होगी, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को समझाना कि कभी कभी कोई कोई चीज नहीं भी मिल सकती है, इसकी ट्रेनिंग उस बच्चे को नहीं मिल पाती है। दादी तो प्यार करती है, तो अगर आप इस वीडियो को दिखाओगे दादी को, दादी क्या बोलेगी, अरे मैं अनजाने में ये नुकसान कर देती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, अब से नहीं करूंगी मैं। क्योंकि दादी भी बच्चे से बहुत प्यार करती है, दादी का कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। दादी तो बहुत, मेरे ख्याल से दादा दादी नाना नानी तो मम्मी पापा से भी ज्यादा प्यार, एक अटैचमेंट होता ही है उनका। तो ये अवेयरनेस की बात है कि टुगेदर वी विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। चलो मैं और भी इंटरेक्शन लूंगी, और भी शेयरिंग लूंगी आपसे, लेकिन थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे बच्चा जो है, अब एक सिचुएशन हम देखते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन हम देखते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अब ये बच्चा गया शॉपिंग मॉल में और मुझे ये पेंसिल चाहिए, मेरा बच्चा कितना जिद्दी है। मम्मी क्या बोल रही है, मिसेस शीतल मेरा बच्चा कितना जिद्दी है, मानता ही नहीं है कोई बात, ठीक है। अब यहाँ पे ज्योति का बेटा भी कहता है मुझे ये पेंसिल चाहिए, ये चाहिए, और ज्योति क्या करती है, डीप ब्रीथ लेती है और सोचती है अभी मुझे मेरे अंदर ना थोड़ा पेशेंस, थोड़ी शांति रखनी होगी और रखकर बच्चे को समझाना होगा। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, शीतल क्या करती है और ज्योति क्या करती है, वो हम देखते हैं। आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे इस चीज से बहुत अच्छे से। शीतल जो है वो क्या करती है, उसने बच्चे को जो है पेंसिल, गिव्स द पेंसिल एंड द चाइल्ड इज हैप्पी, बच्चे को पेंसिल दे देती है, बच्चा खुश हो जाता है। क्यों पेंसिल देती है, क्योंकि जो शीतल के अंदर कौन कौन सी बातें चल रही थी, शीतल ने क्यों पेंसिल दिया, उसने इसलिए दिया क्योंकि उसके अंदर जो बातें चल रही थी ना, हम जिस तरह से अपने अंदर बातें करते हैं उसी के अनुसार हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो शीतल क्या बोलती है, मैं क्या करूं, मानता ही नहीं, बड़ा ही जिद्दी है, मार्केट में बेइज्जती कैसे करा सकती हूँ, रोता ही जा रहा था, कैसे ना मानूं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने पेंसिल दे दी। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या जो सोचती है, ज्योति क्या सोचती है, उनके अंदर क्या बात चल रही है, उनके अंदर ये बात चल रही है ज्योति के अंदर कि थोड़ा मुश्किल है पर अभी शांत हो जाएगा। सबसे पहले देखो, बिलीफ सिस्टम मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कि थोड़ा मुश्किल है बट अभी शांत हो जाएगा, थोड़ा इसके साथ खेल लूंगी, यानी कि डाइवर्ट की बात आ गई यहाँ पे, कुछ और बातें करूंगी, डाइवर्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसी तरह से ज्योति अपने बच्चे को परवरिश करती है, यानी कि जो ना है
तो ना है, जो हाँ है तो इमीडिएटली दे दे रही। अब क्या हुआ, घर पे पहुंचने के बाद कैसे शीतल क्या करती है, शीतल जो है चिल्लाती है, चीखती है, गुस्सा करती है कि मेरी बेइज्जती करा देता है ये, और कभी कभी तो जो पेंसिल दिलाया उसको भी लेके हटा देती है। अब लो पेंसिल, अब बड़ा मन कर रहा था ना तुम्हें, वहां पे जिद किया ना, अब पेंसिल नहीं मिलेगा, पेंसिल भी हटा देती है। बच्चे के अंदर इससे क्या रिएक्शन होता है, क्या फीलिंग आती है बच्चे के अंदर, एक रिवेंज की फीलिंग आने लगी, एक गुस्सा आने लगा, अच्छा तब तो बड़े अच्छे बन गए। तो बच्चा क्या करेगा, ऐसे सिचुएशंस को पकड़ेगा जहाँ पे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग में, मॉल में जाके कोई कार के लिए इतना जिद करेगा कि आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा थोड़े समय के लिए तो सही, लोगों के सामने तो ये अच्छी रहती है, तो लोगों के सामने मुझे मेरी इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है। गेस्ट आएंगे, गेस्ट आते समय मोबाइल दो ना, मुझे बहुत बोरियत हो रही है, बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, बहुत बोर हो रहा हूँ, मोबाइल दो ना, क्योंकि उसे पता है लोगों के सामने मेरे पेरेंट्स जो है वो वीक है, लोगों के सामने, गेस्ट के सामने वो अपने कंसिस्टेंट बिहेवियर यानी कि डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, थोड़ा समय तो मेरा टाइम है, यूज कर लूँ इस टाइम को। और यहाँ पे ज्योति क्या करती है, घर पहुँचती है, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया तो बच्चा बड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा गुस्से में है, तो बच्चे से बात करती है, डायलॉग होल्ड करती है, हग करती है, सिचुएशनल को रीप्ले करती है। जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है कि अच्छा बताओ वहाँ पे हमने क्या किया, आपने क्या किया और मैंने क्या किया, तो हम कैसे सोच सकते थे अगर ऐसी चीज़ दोबारा हो। सपोज कि मम्मा आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रही है, तो उस समय आप क्या करोगे? अच्छा उस समय ना मैं बोल दूंगा ठीक है मम्मा, पर अब ठीक है मम्मा कैसे बोलोगे, आप मन में अपने आप से क्या बोलोगे? तो बच्चे को ट्रेनिंग देना ऑन द थॉट प्रोसेस, सोचना क्या है। तो सपोज कि इसका नाम है राज, बोले राज बेटा बताओ ना आप क्या कहोगे, अपने आप से क्या कहोगे? कोई बात नहीं मेरे पास, अच्छा आप अपने आप से ऐसा भी कह सकते हो क्या कि मेरे पास तो घर पे बहुत सारे टॉय है, मैं अभी उससे मैं खेल लूंगा घर पे जाके। तो क्या हम ऐसे बात कर सकते हैं ताकि आप हाँ बोल सकते हो, मम्मा ठीक है ना कोई बात नहीं। तो ट्रेनिंग द चाइल्ड कि हाउ टू कंट्रोल सेल्फ एंड डील विद दैट सिचुएशन। हम क्या करते हैं, हमसे बिहेवियर को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, तो थप्पड़ मार दिया, चिल्ला दिया, चीख दिया, बस रोना बंद करो। बच्चा और भी रोता है, थकता है, फिर सो जाता है, फिर आपको गिल्ट फील होती है, बेटा आपने मुझे गुस्सा दिलाया था इसलिए मुझे गुस्सा आया था, आप इतनी जिद करते हो इसलिए मुझे मारना पड़ता है, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ता है, फिर आपको लगता है मैंने कितना बुरा किया, मैंने अपने बच्चे को मारा, मैंने अपने बच्चे को डांटा, ऐसा तो मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर आप गिल्ट में, गिल्ट के ट्रैप में फंस जाते हो, फिर अगली बार वही चीज़ होती है, फिर अगली बार वही चीज़ होती है। अब आपको गिल्ट भी नहीं होगा, ये एक पैटर्न बन जाएगा और इट विल लीड टू, ये एक हर घर में चाइल्ड अब्यूज होता जा रहा है मार पीट के माध्यम से। तो हर घर पे बच्चा जो है खूबसूरत सा बच्चा जन्म लेता है, जिसके जन्म लेने के बाद और जन्म लेने से पहले कई सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, और उसी बच्चे को भगवान से कई जगह पे प्रार्थना की जाती है एक बच्चे के लिए, और उसी बच्चे को एक कठोर तरीके से पालना हम शुरू कर देते हैं, और उसके बाद ढेर सारा जब हम उसको मार देंगे। नाउ थिंक अबाउट इट, एक और साइकोलॉजी को सोचो कि बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, आप जब गिल्ट फील करते हो ना तब आपको लगता है बेटा चलो मार्केट, देखो आपने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था ना, अच्छा चलो मार्केट मैं आपको दिलाती हूँ। अब आपने उसको डबल चीजें दिला दी क्योंकि आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपने बच्चे को डांटा मारा, आपको गिल्ट फील हो रहा है, आप उसको डबल चीजें दिला दिया बच्चे को। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा वही चीजें क्रिएट करेगा, वो सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने उसके माइंड में क्या फीड कर दिया, अगर मैं स्टबर्न बिहेवियर शो करता हूँ उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होगा मेरे लिए, मुझे बहुत बुरे तरीके से डील किया जाएगा, बट उसके बाद तुरंत रिवॉर्ड मिलता है मुझे, तो बच्चा उस रिवॉर्ड के लिए अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहेगा। तो अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी।
अब ज्योति का बेटा जो बड़ा होता है वो क्या होता है, मुझे सामान चाहिए तो चाहिए। वो फ्रेंड्स को बुली करेगा, दूसरे को परेशान करेगा, टीनेज में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, एक गैंग क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा पावर है, चिल्ला के चीख के धमकी दे के काम कराया जा सकता है, तो वो वैसा बनेगा। शीतल का बच्चा कैसा बनेगा? विल नो दैट मेरे चिल्लाने चीखने से कुछ नहीं होगा, एफर्ट विल मेक द डिफरेंस। मुझे कोई भी चीज प्राप्त करनी है उसके लिए मुझे अच्छे बिहेवियर को मेंटेन करने की जरूरत है, तो लॉन्ग टर्म उसका ये इफेक्ट होगा। तो अभी हम 7 पावरफुल टिप्स को डिस्कस करते हैं जो हमें हेल्प करेगा टू डील विद दिस स्टबर्न बिहेवियर, इस बिहेवियर से डील करने में मदद करेगा। कौन कौन से पावरफुल टिप्स है? फर्स्ट इज बीइंग काम, शांत रहना। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा जितना भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अगर हमारा भी हम कुछ चाहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलता है, मान लीजिए कोई पेरेंट्स ऑफिस में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो और आपका प्रमोशन नहीं होता है, तो आप विचलित हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आप कई तरह के बिहेवियर को डिपिक्ट करना शुरू करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं बिहेवियर होगा। आपको गुस्सा आता है, दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं ना, तो इसी तरह से बच्चे को जब कोई चीज़ नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसको भी, वो भी विचलित है, वो भी बहुत अंदर उसके बहुत फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, तो वो गुस्से को स्पिल आउट कर रहा है, और बच्चे के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो अपने इमोशंस को सही तरीके से रेगुलेट कर पाए, लेकिन हमारे अंदर तो है। दूसरी है रूल्स एंड बाउंड्रीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रूल्स एंड बाउंड्रीज को स्टैब्लिश करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर घर से बाहर गए मॉल में, एक लिस्ट बना लिया कि कौन कौन से सामान मुझे लेने हैं, उसमें से बच्चे का भी लिस्ट है कि ये 2 सामान इस बच्चे के लिए है, उस बच्चे से भी डिस्कस किया कि ये 2 सामान जो है वो हम आपके लिए ले रहे हैं। एंड वहां पे जाने के बाद बहुत सारे, देखिए वहां पे ना, आप जब बिलिंग काउंटर में जाएंगे तो वहां पे भी बहुत सारी डिस्प्ले में चीजें रखी होती है, तो वो डिस्प्ले में इसीलिए रखी होती है क्योंकि आपका बच्चा जो है उसको देखे और जिद करे, वो तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो आपको भी अपना स्ट्रेटेजी पहले से ही प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि देयर विल बी फ्यू थिंग्स दैट विल बी केप्ट नियर द काउंटर, बट नो मीन्स नो। अगर उसमें आप वहां पे अगर आप उन चीजों को लेना चाहोगे तो क्या होगा, ये दोनों चीजें भी आपकी चली जाएगी। दैट इज वॉट बच्चे को पता चल रहा है कि अगर मैं कोई चीज नहीं बोलू तो मेरा बाउंड्री क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप अच्छे इंसान हैं, चाहे आप बुरे इंसान हैं, चाहे आप जिद्दी इंसान हैं, चाहे आप नहीं जिद करने वाले इंसान हैं, अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा ही जलेगा, यानी कि एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। तो बच्चे को पता चलेगा मेरे कौन से एक्शन का कौन सा कॉन्सिक्वेंस है। तो जब आप घर पे गए और घर पे जाने के बाद, वाह बेटा आपने तो कुछ भी नहीं बोला, चलो आज हम ऊपर चलते हैं और बैडमिंटन खेलते, बाहर चल के बैडमिंटन खेलते, चलो हम बॉल खेलते, बैट बॉल खेलते हैं, आई एम सो हैप्पी कि आपने कितने अच्छे से अपने आप को मैनेज किया। तो नोटिस द सक्सेस एंड हाईलाइट द सक्सेस, क्योंकि हम जिस चीज को हाईलाइट करेंगे वो चीज हमारा बढ़ता जाएगा। तीसरी है कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि अच्छा आज तो मैं दे रही हूँ, अब कल से जिद मत करना बिल्कुल भी, आज मैं दे रही हूँ, आगे से मत बोलना। तो आगे से अगर अभी उसको 10 मिनट के रोने के बाद चीजें मिल गई तो कल उसको 20 मिनट को रोएगा, क्योंकि उसको पता है कि कॉन्सिक्वेंस तो मिलना होता ही होता है, ये रोने के बाद तो मिलना होता ही होता है, तो कोई बात नहीं, मैं रोने को थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा तो ये मिल ही जाएगा, थोड़ा हाथ पैर और फैला दूंगा तो मिल ही जाएगा। देर आर मेनी पेरेंट्स जो कि खाना खिलाते हुए, मोबाइल दिखाते हुए सोचते हैं कि चलो ना ये इजी टाइम हो। आपको शुरुआती कोई बिहेवियर का, कोई एक्शन का नहीं करना है जिसका बच्चे के दिमाग में एक पैटर्न बन जाए कि दिस इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो क्या आप चाहते हैं कि बच्चा पूरी जिंदगी मोबाइल देखते हुए खाना खाए? तो फिर आप मोबाइल दिखा के या टीवी दिखा के खाना खिलाओ, बच्चा खा लेगा। बट अगर आपको चाहिए कि बच्चा के प्रॉपर डाइजेशन हो
और बिना मोबाइल देखे वो खाना खाए, बेशक वो आज कम खाएगा लेकिन उसको भूख लगेगी। गॉड का क्रिएशन ऐसा है कि एक भूख लगते हुए बच्चे को वो खाना खाएगा ही खाएगा। तो जब उसने उसको लगा कि वो भूख लगी है पर उसको तो मोबाइल देखना है, तो अगर आपने वो मोबाइल दिखा दिया या टीवी ऑन कर दिया तो आपको कंसिस्टेंटली वो काम करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बार एक्सपोजर दे देते हैं, कई सारे पेरेंट्स हैं जो चूज करते हैं कि चलो मोबाइल में ना आप ये वाला करो, तो फिर कोई मान लो एडुकेशनल कोई चीज है जो कि वो लोग खोल के देते हैं मोबाइल पे, लेकिन आपने मोबाइल का एक्सपोजर तो दे दिया ना। आज आपने मोबाइल का एक्सपोजर दे दिया तो आपको कल परसों तरसों अब तो वो बच्चा मोबाइल से ही हैबिचुएटेड हो जाएगा। अब वो एडुकेशन से शिफ्ट हो जाएगा कार्टून में, कार्टून से फिर शिफ्ट हो जाएगा किसी और चीज में, और थोड़ा बड़ा होगा तो और भी किसी और चीज में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ही देखना है कि आज का जो मेरा एक्शन है इसका कल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कौन सा हैबिट मेरा बच्चा डेवलप कर सकता है, क्या मैं उस हैबिट को डेवलप करने के लिए एम आई रेडी। अगर नहीं तो आज मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा एक्सेप्ट करना है चीजों को, हो सकता है वो अपसेट हो, राइट, द चाइल्ड मे बी अपसेट बट आई विल बी कंसिस्टेंट विद माई डिसीजन। तो कंसिस्टेंसी इज अनदर थिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड, कि ऐसा नहीं कि आज कुछ बोल रहे हैं और कल कुछ और कर रहे हैं। रीकनेक्ट एंड रीप्ले, ठीक है, रीकनेक्ट एंड रीप्ले का मतलब होता है कि जब बच्चा थोड़ा सा शांत हो जाए उसको प्यार से हग करो, बिठाओ अपने पास, उस सिचुएशन को रीप्ले करो और बोलो अच्छा उस सिचुएशन में हम कैसे, जैसे हमने पहले बोला, हम उस सिचुएशन को और अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारे मन में भी दुख ना हो और हम लोग खुश रह सके, दोनों जने, तीनों जने, पूरा फैमिली। कनेक्ट टू इमोशंस, वर्क ऑन थॉट, क्या मतलब है इसका? जब बच्चे को कोई चीज नहीं मिल रहा है तो बच्चे को गुस्सा आ रहा है, पर इसका मतलब नहीं है कि आप भी गुस्सा करना शुरू कर दे। उसके इमोशन से कनेक्ट कीजिए कि उसको गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा किस बात का आ रहा है, मान लो कि आपने टीवी ऑफ कर दिया तो गुस्सा क्यों आ रहा है, तो अब ये STEBB को ध्यान से सुनिए। एस है क्या, सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, बच्चा टीवी देख रहा है, थॉट क्या है उसके अंदर, आपको सिर्फ दिखेगा लास्ट वाला, दैट इज द बिहेवियर वाला पार्ट, आपको सिर्फ ये बिहेवियर वाला पार्ट दिखता है लास्ट वाला, बाकी कोई चीज आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको बाकी सभी चीजों को देखना है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है वो बच्चा टीवी देख रहा है, बिहेवियर क्या है, मुझे अभी टीवी बंद नहीं करना है। नाउ उसके पीछे उसकी बिलीव क्या है, बिलीव को समझो कि अरे टीवी बड़ा मजेदार होता है, इससे मजेदार तो और कुछ भी नहीं। दूसरी चीज है मैं और क्या करूं टीवी देखने के अलावा, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, ये पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा तो मम्मी चीखती चिल्लाती रहती है, मुझे नहीं पसंद है। तो यानी कि बिलीफ है कि जब मैं पढ़ाई करने बैठूंगा तो मम्मी चीखती चिल्लाती रहती है, तो हमें किस चीज के ऊपर कंट्रोल करना है, किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ मम्मी चीखती चिल्लाती रहती है, उसके ऊपर ध्यान देना है। सिचुएशन के बाद आ गया थॉट चल रहा है, थॉट क्या चल रहा है, थॉट ये चल रहा है कि थोड़ी देर और मिल जाए टीवी देखने के लिए, थोड़ी देर और मिल जाए, मम्मी ध्यान ना दे, मम्मी ध्यान ना दे। इमोशन क्या आता है, इमोशन आता है बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है जब तक वो टीवी देख रहा है। बिलीव क्या है, टीवी इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मोबाइल गेम इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, यही मुझे इंगेज्ड रखता है। बिहेवियर क्या है, अगर मम्मी बोल रही है बंद कर दो, पापा बोल रहे हैं बंद कर दो, बिहेवियर है ब्लास्ट करना, दैट इज एग्रेशन शो करना। नाउ यहाँ पे हमें सिर्फ बिहेवियर के ऊपर काम नहीं करना है, बिहेवियर के ऊपर तो उस समय काम किया, पहले से ही रूल्स बना ली, बाउंड्रीज बना ली कि अगर टीवी इस टाइम पे बंद नहीं होगा तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। फिर देखो मम्मी आके उसी समय बंद करेंगी, बंद तो उसी समय करेंगी लेकिन मम्मी करेंगी, तो इससे अच्छा है ना आप ही कर दो बंद। और अगर आप बंद कर देते हो तो कल के समय पे आपको फिर वही चीज देखने को मिलेगा, अगर आप बंद नहीं करते हो तो बताओ व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। म्यूचुअली डिस्कस करो, बच्चा खुद बोले कि उसको पता चले कि आई विल स्टार्ट दिस, ये जो टीवी देखने का हाफ एन आवर का टाइम मुझे दिया जा रहा है, वैसे तो मेरे अनुसार तो टीवी का देयर शुड बी नो टीवी टाइम एट लीस्ट 3 days अ वीक इन द हाउस, इन द एंटायर हाउस, बट फिर भी अगर आप दे रहे हैं हाफ एन आवर के लिए आप दे रहे हैं, तो सेट अ लिमिट कि अच्छा ठीक है ये हाफ एन आवर है, राइट,
तो हाफ एन आवर है, तो हाफ एन आवर को अगर आप मेंटेन कर पाते हो वेरी गुड, यू कैन सी देन 3 डेज अ वीक और 4 डेज अ वीक, जो भी आप सेट करें अपने रूल्स एंड बाउंड्रीज में। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो बताओ, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, तो फिर आप नेक्स्ट वीक आप टीवी मत देखने देना। जब ये बात हुई तो तुरंत आपको इस पिछले वाले पॉइंट पे जाना है, दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट। वो चीज आपको फॉलो थ्रू करना ही होगा, बिकॉज इट इज म्यूचुअली डिसाइडेड कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको फॉलो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, कंट्रोल डिवीजन। बच्चे को क्या होता है कि जब आप बोलते हो ना ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वन इज दैट हैव लीस्ट ऑफ नोज मोर ऑफ डूज, राइट? लीस्ट ऑफ नोज का मतलब है ये मत करो, वो मत करो। फोकस ऑन व्हाट यू वांट द चाइल्ड टू डू, गुस्सा मत करो। आप जब स्माइल करते हो आप बहुत अच्छे लगते हो। सो इफ यू कैन फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स व्हिच यू वांट द चाइल्ड टू डेवलप, तो क्या होगा, बच्चे के दिमाग में ये फिट हो जाएगा, व्हाट आर द डिजायर्ड बिहेवियर। हम जब करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, उसको नॉट डिजायर्ड बिहेवियर के ऊपर हम फोकस ज्यादा करते हैं, और जो कि डिजायर्ड बिहेवियर है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट इज लिसन। जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज, अगर पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा, बच्चे के अंदर बहुत घबराहट होती है, आपको पता है जो सबसे इनसिक्योर्ड होता है ना, वो पैसे के पीछे भागता है, प्रॉपर्टीज के पीछे भागता है, उसको एक प्रॉपर्टी चाहिए, वो बहुत वर्कहोलिक हो जाता है, उसको जॉब में भी बहुत इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योर है। तो जब बच्चा इनसिक्योर होता है फैमिली एनवायरनमेंट के कारण, पेरेंट्स उसके सामने झगड़ा कर रहे हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ के बीच में झगड़ा हो रहा है, फादर जो है ऑफिस से आने के बाद वाइफ से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वाइफ जो है हस्बैंड से या किसी और से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ये सब से बच्चे को बहुत घबराहट होती है, जिसके कारण वो एक चीज पकड़ लेता है जिसमें कि वो सिक्योरिटी ढूंढता है, चाहे वो एक ड्रेस हो, चाहे वो एक फूड हो, चाहे वो एक मार्केट का कोई सामान हो, तो वो चीज को वेंट आउट करने के लिए भी, इनसिक्योरिटी को वेंट आउट करने के लिए भी वो एक चीज को पकड़ लेता है। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका घर का एनवायरनमेंट जो है वो अप्रिशिएटिव हो, तारीफ करने वाला हो, हस्बैंड वाइफ को तारीफ करे, अरे वाह आपके मम्मी ने तो बड़ा अच्छा खाना बनाया। अगर बच्चा बोले कि, अगर फादर रेगुलरली बोले क्या है नमक कम डाला है, क्या है ये कम डाला है, तो सोचो कि ऐसे डायलॉग्स जो बच्चा सुनता है ना, तो बच्चे के अंदर इरिटेशन होता है, तो वो बच्चा तो कोई ना कोई चीज को लेके स्टबर्न होगा ही ना, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी हो रही है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं मुझे अभी दूसरी चाय बना के दो, चाय में इतनी मीठी डाल दी है, मीठा डाल दिया, मुझे तो दूसरी चाय ही चाहिए, तो बच्चा क्या सीखता है, अरे पापा तो बड़े जोर से बात कर रहे थे, और पापा को तो चाय मिल गई, तो मैं तो मुझे भी कार चाहिए, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है, मैं भी तो जोर से बात कर सकता हूँ या सकती हूँ, मुझे भी मिल जाएगा। दूसरी चीज है, जो पेरेंट्स बहुत कंप्लेनिंग होते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, टीचर ठीक नहीं है ना, वाइफ ठीक नहीं है, हस्बैंड ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, ये गड्ढे क्यों है रास्ते में, पेट्रोल क्यों नहीं है मेरी गाड़ी में, हर चीज से जो कंप्लेन करता है वो भी बच्चे को बहुत डिस्टर्ब फील कर देता है। वाइफ को कहीं जाना था तो हस्बैंड को कहते हैं तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था ना, मुझे वहां पे जाना था। तो अनऑर्गेनाइज्ड जो हमारा लाइफ होता है, फ्रस्ट्रेशन जो हम हर मोमेंट में शो करते हैं, तो हमारा बच्चा भी वही फ्रस्ट्रेशन को सीख के आगे बढ़ता है। सो ये जो चीज है, हम जितना कंप्लेनिंग को कम करेंगे, लेट गो को ज्यादा करेंगे, अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती है, अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द अदर पर्सन ऑफ द फैमिली, एफर्ट को अप्रिशिएट करो ना, मुझे ये चीज को मिली है, आई हैव गॉट दिस थिंग, ठीक है, देखो मम्मी ने कितना मुझे ना, ये इसमें ना चाय में चीनी चीनी ज्यादा लग रही है, पर पता है मैं पी लूंगा इसे, इसको इसको हाईलाइट करो, ट्रेन करो बच्चे को। अब ये ताने मार के वाइफ को नहीं सुनानी है, आपको चाय पीनी है और बोलना है कि पता है बेटा इस चाय में ना मुझे मेरे अनुसार चीनी ज्यादा है, बट व्हाट आई एम फीलिंग, देखो तुम्हारी मम्मी ने कितनी मेहनत से चाय बनाई है, तो मुझे ना ये वाली चाय भी मुझे अच्छी लग रही है पीना, बिकॉज
then the child will learn to value the situation of the other people. मुझे ऐसा लगा ये देख करके कि थोड़ा उन पे हमें फॉर्म रहना है कि नहीं आपको ये टाइम में इतनी चीज करनी है और फिर आपको ये बंद करना है तो बंद ही करना है, मतलब हमें फॉर्म रहना है. लेकिन लेकिन फॉर्म के साथ साथ शांत रहना, हाइपर नहीं होना है ना. हाँ, शांत रहना है, exactly. ऐसा नहीं कि उनके साथ साथ हम भी बहुत गुस्से में आ जा रहे, वो नहीं होना है. मेरे हाथ से मार खाता है मैम वो. ओके, तो आज से क्या करोगे आप बताओ? उसके बाद मारने के बाद आपको बुरा लगता है या नहीं? Yes, जैसे कि अभी आपने पहले कहा ना कि वो गिल्ट फील होता है, तो मेरे साथ भी वो ही सिचुएशन रहता है. मैं उसको पहले गुस्से में आके मार देती हूँ तो कि पेशेंस नहीं रहता है मेरे में, लेकिन फिर बाद में मुझे गिल्ट फील होता है कि मैंने उसको क्यों मारा. और मारने के बाद जो उसने जिस चीज के लिए जिद मतलब किया था वो मैं उसको वापस लाके भी देती हूँ. जो आपने सिचुएशन पहले डिस्कस किया ना, मुझे लग रहा मैं काफी उस सिचुएशन से मैंने उसको रिलेट किया. सबसे बड़ी बात है इस प्लेटफॉर्म में आपने इसको स्वीकार किया, ठीक है, और आज से ही आप में बदलाव होगा. यस मैम, मैं पूरा आपका जो ये सेशन रहा है वो मेरे माइंड में रहने वाला है. मैं मेरा बिहेवियर चेंज करने वाली हूँ, थोड़ा अपना पेशेंस लेवल बढ़ाने वाली हूँ, और उसको थोड़ा अभी मुझे अच्छे से हैंडल करना है ताकि वो आगे चल के स्टफ मतलब ज्यादा जिद्दी ना बने, और बड़ा जैसे जैसे होने वाला है उसका माइंड सेट वैसा नहीं रहे. वो एक अच्छा चाइल्ड तो है ही है, पर हमारे बिहेवियर की वजह से. यस, यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हैं, एक और चीज आपको मैजिक ट्रिक आपको बता दूं. कभी कभी ना बच्चों को कंट्रोल दे दो. कंट्रोल कैसे आप दे सकते हो? कंट्रोल कैसे आप दे सकते हो? जैसे ड्रेस के लिए अगर वो जिद करिए तो वो पहले से ही आप दो ड्रेस बोलो कि अच्छा बेटा ये दोनों में से कौन सा पसंद है आपको, कौन सा लोगे, तो बच्चे को लगेगा अरे पावर मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में पावर दे दिया कि मैं चूज करूंगी. कभी कभी यस की जगह पे आप ये भी बोल सकते हो, जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना कि हाँ ये कर लो, उसकी जगह पे आप ये कर लेते हो. अच्छा आप क्या चाहते हो करना? मम्मा मम्मा मुझे ना उसके बर्थडे पे जाना है, अब मैं जा सकती हूँ क्या? आपको लगता है कि हाँ मैं हाँ बोल सकती हूँ, तो बोला अच्छा आप क्या चाहती हो करना, आप जाना चाहते हो? हाँ मम्मा मैं जाना चाहती हूँ. बोले ओके फाइन, इट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस है, आपने हाँ नहीं बोला. आपने क्या किया? आपने बच्चे को बोल दिया अरे तुम पावरफुल हो, तुम चॉइस. अच्छा मेरी चॉइस, मैं डिसीजन ले रही हूँ. तो कहीं ना कहीं आपने वो जो एक नीड है कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, वो नीड को आपने उसको दे दिया कि हाँ आप ही चूज कर रहे हो. वेरी सिंपल. ओके, यहाँ पे है हीर, हीर के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया. हाँ बताइए. हाँ, तो आप भी मारते हो अपने बच्चे को? हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है इसलिए कभी-कभी हाथ पूछ. अब सोचो कि बच्चे का बिहेवियर प्रॉब्लम है या फिर मेरा गुस्सा प्रॉब्लम है. नहीं, बच्चे का बिहेवियर तो सेकंड नंबर है, मेरा गुस्सा फर्स्ट है. आई एम सो हैप्पी यू आर द बेस्ट मॉम, बहुत अच्छी हो. जो सबसे पहले ये बोल दे कि मेरा गुस्सा सबसे पहले मुझे कंट्रोल करना है, तो फिर योगा क्लास ज्वाइन करो आज ही से. यस यस मैम, वो तो मैं कर ही रही हूँ योगा तो. वेरी गुड, तो आपने स्टेप भी ले लिया. तो योगा के साथ साथ 15 मिनट्स का ब्रीदिंग करो, ठीक है, और उस समय 15 मिनट के लिए अपने आप को ये पावर दो कि दिस इज वेरी नाइस, वाओ मेरा बच्चा जो है अभी बिहेवियर जो है अभी थोड़ा सा जिद वाला है, वेरी गुड, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू प्रैक्टिस कामनेस. ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसी में मैं प्रैक्टिस करूंगी कामनेस को, और ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता जाएगा. यस मैम, ठीक है ना. देखो मैंने जो ये सेशन हम लोगों ने जो ये अरेंज किया है वो इसलिए अरेंज किया है क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने सर्वे किया था जिसमें कि काफ़ी सारे बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं उसी कारण से. और अभी जब हमने ये सेशन किया, इसके पहले भी आपके पास एक सर्वे फॉर्म गया था जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात थी वो मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बहुत स्टबर्न है,
और हम सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो जिद्दी है एक रिमोट कंट्रोल कार की तरह बन जाए और मैं उस कार का जो रिमोट है वो मेरे पास रहे, मैं जिधर चलाता रहूं, बच्चा खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, बैठ जा, बैठ गया, वाओ सो गुड चाइल्ड। गुड का परिभाषा ये नहीं है, गुड का परिभाषा हमारी परवरिश में छुपी हुई है। ये आपने जितने भी पॉइंट्स कहे ना, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि गुस्सा जो सबसे बड़ी चीज है, जो हमारी ही गलती है, घर के दूसरों का, बड़ों का, छोटों का, हस्बैंड का, हर किसी का गुस्सा ना इन पे निकल जाता है, क्योंकि ये हमसे छोटे हैं तो हम किसी और को कुछ बोल नहीं सकते। तो ये जो है बिहेवियर प्रॉब्लम हमारा ही है, हमारा ही गुस्सा। और दूसरी चीज आपने जो बोला कि अपने आप को ही काम रखना है, तो इस चीज पे मैंने मैं कह सकती हूँ पिछले 5-6 महीने से मैंने ये काम शुरू किया और काफी हद तक गुस्सा भी कम किया। और जहां मुझे लगता है कि मेरी चीज वो बात मान नहीं रहा है, वहां मैं आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दूंगी, या वो काउंटर आर्ग्यूमेंट जो होते हैं ना हम दोनों के बीच में, मेरे और आयान के बीच में, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने मुझे पहले ऐसा बोला था, फिर वहां पे मैं चुप हो जाऊंगी। तो उसको समझ में आ रहा है कि मम्मा को, वन सेकेंड, एक चीज और, आयान की मम्मी ने दो चीज बोली जो मैं भूल ना जाऊं, मैं पकड़ लूं आपके रेमेडी को, और से सॉल्यूशन मिलते हैं आपके शेयरिंग से ही मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप लोग, ये जो सेशन मैंने लिया वो एक जरूरी वाला सेशन था। आयान की मम्मी ने बोला, मैंने आयान, तो इन्होंने बोला कि मैं 5-6 महीने से अपने ऊपर काम कर रही हूँ। तो व्हाट इज दैट, इस सिचुएशन को डील करने के लिए, इस बिहेवियर को डील करने के लिए हमें बच्चे के ऊपर नहीं, हमें खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। और दूसरा एक और बोला कि आर्ग्यूमेंट, जब बच्चा इस सिचुएशन में होता है तो बच्चा जानबूझ के कोई ना कोई आपको आर्ग्यूमेंट जिसका कोई लॉजिक हो ना हो उसमें आपको फंसाना चाहेगा, उसमें आर्ग्यूमेंट ना करके, उसमें आर्ग्यूमेंट ना करके उसको डायलॉग में बदल दो। ओके फाइन, यू फील सो, ओके यू फील सो, टेल मी मोर अबाउट इट। उसके घर पे तो ऐसा नहीं होता है, ओके फाइन, उसके घर पे कैसा होता है, टेल मी मोर अबाउट इट। उसके घर पे तो उसकी मम्मी सब कुछ देती थी, अच्छा दैट्स वेरी नाइस, ओके, बट सब कुछ दे देती है मतलब क्या क्या चीजें देती है, क्या क्या चीजें दिया है आपने, उसका शिफ्ट ही कर दिया क्या, फ्रॉम आर्ग्यूमेंट टू डायलॉग, डिस्कशन में परिवर्तित कर दिया। आर्ग्यूमेंट में फंसोगे तो आग जनरेट करता है, डायलॉग में परिवर्तित करोगे तो लाइट जनरेट करता है। अब आपकी चॉइस है, आर्ग्यूमेंट से फायर चाहिए, आग चाहिए, या फिर प्रकाशित करना है घर को, लाइट चाहिए। पुबाली मुखर्जी, वेरी डिफरेंट नेम, पुबाली मुखर्जी, यस। एक्चुअली मैम, आयरा का जो इशू होता है ना, शी इज वेरी क्रैंकी इन नेचर, मतलब गुस्सा कम करती है बट वो रो देती है, व्हाटएवर द सिचुएशन। आयरा का एक्चुअली इशू नहीं है, आयरा को कभी कभी वो अपसेट हो जाती है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अपसेट को, सी द लैंग्वेज यू आर यूजिंग, सी द लैंग्वेज आई एम यूजिंग, हां, आयरा अपसेट हो जाती है। उस समय आयरा को समझ में नहीं आता है कि वो जो अपसेट हो रही है उसको कैसे हैंडल करे, तो इसीलिए वो उस समय समझ नहीं पाती है, इसलिए वो रोना शुरू कर देती है। जहां पे उसको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों अपसेट हो रही है और उस अपसेट होने की सिचुएशन में वो क्या कर सकती है, वो एम्पावरमेंट आ जाएगा। तायरा तो बहुत सुंदर है, आप क्या देख रहे हो, वो क्रैंकी हो जाती है, मैं क्या देख रही हूँ, वो अपसेट होती है। मैम जस्ट लाइक वो दोपहर को नींद से उठती है ना, ऑल ऑफ अ सडन शी स्टार्टेड क्राइंग, ओके फाइन, आस्किंग व्हाट हैपेंड, फाइन, एट दैट टाइम व्हाट यू डू, आई जस्ट हैड टू कम हर डाउन, थोड़ा खाना देना या फिर पानी पिलाना और ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी क्या होता है, शी स्टार्टेड कंटिन्यूइंग, देन थोड़ा हम लोगों का भी पेशेंस चला जाता है। कभी एक दिन अगर वो क्रैंकी नहीं होती है तो उस दिन सेलिब्रेशन होना, उस समय वाओ कायरा क्या बात है, यू आर लुकिंग सो गुड, ये नहीं बोलना है आज क्रैंकी नहीं हुए, क्या बात है आज तो नहीं रोए, उसको लगे अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, राइट, जनरली हम यही करते हैं। उसको लगा कि आज कुछ
उसके उसको कुछ नहीं करना होगा, उसके सबकॉन्शियस में अपने आप रिकॉर्डिंग चली जाएगी कि विच बिहेवियर इज गिविंग मी ग्रेटर रिवॉर्ड. राइट. ओके फाइन. मैम अनीश जिद्दी नहीं है क्योंकि उसको मैं जो चीज मना करती हूँ वो मान जाता है, पर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो उसके साथ बिहेव मतलब प्रॉपर नहीं करता है, जैसे कि हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं. तो फिर मुझे उसके लिए मुझे उसको गुस्सा करना पड़ता है कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर रहा है. ओके नाउ से क्या करना है ऐसे सिचुएशन में. रात को बेड टाइम इज द बेस्ट टाइम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए. ठीक है, बेड टाइम में आप कोई भी स्टोरी क्रिएट करके, क्योंकि ताकि बच्चे को ये ना लगे कि आप उसको डायरेक्टली समझा रहे हो. सबसे ज्यादा जो बच्चा हेट करता है वो है लेक्चर. आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, बार बार कल भी मैंने समझा था, आज भी मैंने समझाया, हमेशा आप ऐसे करते हो. और उसके बाद ये दिखाओ कि उस जगह पे आप इसकी जगह आप क्या और कर सकते हो. शोइंग द डिजायर्ड बिहेवियर रादर देन सेइंग ये मत करो. शो दैट व्हाट ऑल यू हैव द ऑप्शंस टू डू. आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है कि आपके बदलने पे बच्चे की जिंदगी बदलेगी, उनका जो एक एक पूरा दुनिया बदल जाएगा आपके बदलने से. मींस मेरे को थोड़ा शॉर्ट टेंपर हूं मैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको हैंडल करने के लिए, कि वो वीडियो मोबाइल के ऊपर ज्यादा एडिक्शन है उसका ना. अभी जो है बहुत जो बच्चे मोबाइल टीवी ज्यादा देखेंगे उनके अंदर थोड़ा स्टबर्न बिहेवियर ज्यादा होता ही होता है. दैट्स व्हाई मोबाइल टीवी को आप जितना कम से कम कर सके, ना के बराबर कर सकते हैं, दैट इज बेस्ट. बट जिस समय 3 दिन के लिए जहाँ पे आप उसको बंद करते हैं ना, उसके लिए ऑल्टरनेटिव एंजॉयमेंट प्लान डिजाइन कीजिए. थोड़ा सा आपको भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. बच्चे को जो चीज़ पसंद है, फिजिकल एक्टिविटी हो, ड्राइंग हो, गेम्स हो, स्टोरी बुक्स हो, उसको आप ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं. उससे क्या होगा क्योंकि कि अगर आप एक चीज़ को बंद करते हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन प्लान को बनाना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है. और बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे अपने बच्चे को. वी विल बी कीपिंग ऑन हैविंग द सेशन. मे बी दैट आप ना रहो, पर आपके पास उसके जो वीडियोज़ है वो ज़रूर आपके पास पहुँच जाएगा. कोई भी एक मेमोरी में बच्चे का कोई एक सिचुएशन फिट हो जाए तो उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, दैट इज उसी का ब्रेवरी स्टोरी बना के बच्चे को हम बोल सकते हैं. जहाँ पे हम ब्रेवरी स्टोरी बना के रात को बेड टाइम स्टोरी, क्योंकि कौन सा सिचुएशन कब किसके साथ होगा वो तो हम नहीं कर सकते ना. तो हम कर सकते हैं, एक बच्चा ऐसा था, वो बच्चा जो है उसको एक घर पे जाना था, अरे वो तो रास्ता ही भूल गया, वो तो कहीं और चला गया. जब वो कहीं और चला गया, पता है उसने क्या सोचा, मैं तो ढूंढ के रहूंगा, मैं तो जिस घर में जाना है ना वहां पे मैं पहुंच के रहूंगा. वो स्माइल करता हुआ आगे बढ़ता गया. तो आपने उसी के सिचुएशन को रिलेट करके दूसरा स्टोरी बना के बच्चे को बोला. जरूरत क्या है, बच्चे के अंदर कोपिंग स्किल्स डेवलप करने की, सिचुएशन से भागने की आदत नहीं डेवलप करना, उसको विक्टिम मेंटालिटी नहीं डेवलप करवाना, और ये बेचारा मेरे बच्चे के साथ कितना बुरा हुआ, वो विक्टिम मेंटालिटी भी नहीं डेवलप करना, कोपिंग स्किल्स डेवलप करना कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा सिचुएशन हो तो हम अपने बिहेवियर को किस प्रकार का रखेंगे. आपने जितनी बातें बोली ना अभी तक, जितनी चीजें आप शेयर कर रहे हो, जितने एग्जाम्पल्स दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर रही हूँ अपने आप को, कि मतलब सिचुएशन ऐसी आ ही जाती है कि हमको हैंडल करना पड़ता है. अभी भी जो आपने बताया कि बच्चे को एक ब्रेवरी स्टोरी बताइए आप, या इस तरीके से उनको मोल्ड करिए, तो उनको एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. अभी एक इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ. मुंबई एयरपोर्ट पे हम पहुँचे, हम लोग गेट के पास थे और विद इन 10 मिनट्स हमारा डोर खुलने वाला था. मैं और अयान आने वाले थे अहमदाबाद, मुंबई टू अहमदाबाद. तो अब अचानक से उसने बोला कि मुझे भूख लग रही है. मैंने बोला आपने चिप्स का पैकेट लिया नहीं था घर से? तो बोले मम्मा मैं भूल गया. ठीक है, मैंने कहा चलो नज़दीक के किसी स्टोर से मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ लेकर आती हूँ, बट आपको 5 मिनट यहाँ पे बैठना पड़ेगा गेट के पास. मैं आपको लेके, सामान को लेके, सब कुछ लेके मैं वापस नहीं भाग सकती हूँ. तो ठीक है मम्मा. तो वो बैठा, 5 मिनट हुए, 7 मिनट हुए, मुझे कॉल आ रहा है जहाँ पे मैं स्टॉल पे खड़ी हूँ, मुझे कॉल आ रही है और बोले मैम आप अयान की मम्मा हो? मैंने कहा जी. बोले ही इज़ क्राइंग, आप प्लीज़ जल्दी आइए. मैंने उससे बात की, अयान रो नहीं, मैं आ रही हूँ. स्टॉल पे ऑर्डर किया, मैंने उनको बोला मैं 5 मिनट में आ रही हूँ वापस. मैं वापस से भाग रही हूँ उस तरफ और मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, आप क्यों रोने लगे?
तो बोले मम्मा आप दिख नहीं रहे थे मुझे. मैंने कहा इट्स ओके मम्मा यही है, मम्मा दूर कहीं नहीं जाएगी. बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अभी भी मेरा फोन नंबर याद है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सी वन थिंग, यस यस, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो हम कैसे कैसे बिहेव करते हैं. हाउ डू वी बिहेव? फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा दूसरे बस में चला गया, बच्चा आया, हाँ मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया, अरे अरे बेटा बेटा तू ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक तो है ना, अंदर ये सारी बातें चले, बट ऊपर क्या करना, अरे वाह आगे बेटा कैसे आए, कहाँ चले गए थे, अरे मम्मी मैं उधर चला गया था, अच्छा फिर क्या किया, अच्छा फिर मैंने ना ऐसे दीदी को बोला, कोई नहीं था, ये नहीं था, फिर भी आप आ गए, फिर भी मैनेज कर लिया आपने, आप तो बड़े ही ब्रेव हो. समझ में आया क्या आपने रीड किया? यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर अ ब्रेव बॉय, यू डिड इट. बच्चे को चोट लग गई तुरंत, हाँ बच्चा क्या हो गया, क्या हो गया, कितना खून निकल रहा है, अरे थोड़ा सा एक खरोच आया, कितना खून निकल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा होगा ना, उसको लगता है कि अच्छा ये है मम्मी की वीकनेस, चलो मम्मी जब टाइम, एंड दिस इज अ फैक्ट यू नो, जब मम्मी टाइम ना दे तो चोट खा के वापस आओ तो क्या हो जाएगा, तो मम्मी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगी. कई बच्चे ये भी होते हैं कि कंप्लेंट लेके घर पे वापस आओ, टीचर ने मुझे ऐसे किया, टीचर ने मुझे ऐसे किया, मैं ऐसे किया, ऐसे किया, अच्छा ऐसे किया, अच्छा मैं अभी अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, अभी मैं फोन करती हूँ, तो वजह अच्छा तो स्कूल की कंप्लेंट करो तो ये तो मेरे फेवर में आ जाते हैं, सारी चीजें भूल जाते मेरी तो. So then that behavior will start more, will increase more. तो यहाँ पे हम अपने session को complete करते हैं. अगली बार कोई और session के साथ आऊंगी, कोई और topic के साथ. Thank you so much. I really truly enjoyed. I am sure that you all enjoyed too. Thank you and happy, happy parenting to all of you.